हाँ जी दोस्तों तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्रांसपोज फंक्शन के बारे में ट्रांसपोज फंक्शन है जो एक्सेल में ये हमारी हेल्प करता है जो मेरे यहाँ पे कॉलम्स है वो रोज बन जाएंगी और जो रोज है वो कॉलम में आ जाएंगे सपोज करो मेरे सामने एक मैंने डाटा एंटर किया हुआ है जिसमें कॉलम्स मैंने लिए हुए रोल नंबर नेम एंड मार्क्स मैं चाहती हूँ कि ये तीन चीजें मेरी रो बन जाए और जो रोज में डाटा है पर्टिकुलर एंट्री है जैसे प्रकाश ललित राधे ये सारे मेरे कॉलम बन जाए तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं ट्रांसपोज देखिए हम कैसे यूज करेंगे इसको फंक्शन स्टार्ट होगा इक्वल टू साइन से और लिखूंगी मैं टी आर ए एन एस ओ एस देखिए ट्रांसपोज फंक्शन आ गया ब्रैकेट स्टार्ट और मेरे को एरे सेलेक्ट करना है मतलब कौन सा मैंने एरे है जिसको मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ अब यहाँ पे मेरे ये वैल्यूज है तो मैं ये रोज़ एंड टेबल को ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रोल नंबर क्या था मेरा कॉलम और यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर रो की फॉर्म में आ गया है ठीक है तो इस तरह से हम रोज को कॉलम्स में एंड कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं इन एक्सेल। देखिए मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर रही हूँ ताकि ये आपको पूरा क्लियर हो जाए देखिए वहां पे ट्रांसपोज फंक्शन में क्या किया जो वहां पे मेरी कॉलम्स बने हुए थे तीन कॉलम थे और मेरे पास सेवन रोज थी तो यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स बन गए हैं ठीक है जी और थ्री बन गई हैं और एक की रो थी तो इसलिए एट कॉलम्स हो गए हेडिंग जो है वो एक कॉलम में ही रिप्रेजेंट कर रही है तो यही था आज की वीडियो में इस फंक्शन से हम रोज को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट कर सकते हैं रोज में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे गॉड ब्लेस यू